अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से खबर शामिल करते हैं, जहां पर 12 साल पाकिस्तानी बच्चा इकबाल मसीह मरहूम को खराज तहसीन पेश करने के लिए टीचर एक्टिविस्ट कैरल नौरीन ने न्यूयॉर्क अमेरिका में प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसका मकसद बच्चों को इकबाल मसीह जैसे एक अजीम और नडर मिसाली बच्चे के मुतालिक बताना था। इकबाल मसीह के दर्दनाक जिंदगी के बावजूद उसकी अनथक जदोजहद किस तरह उसको मुसलसल कामयाबियों से हमकिनार करती रही और वह तमाम आलम के लिए एक जिंदा मिसाल बन गया। इकबाल मसीह को इसी साल 23 मार्च 2022 को तमगा शजाइत से नवाजा गया। कैरल नरीन ने बताया कि इकबाल मसीह के नाम का अवार्ड दिया जाता है। इकबाल मसीह ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ एजाजात हासिल किए और दुनिया भर में उसके नाम से कई स्कूल और यूरोप की सड़कों पर उसके मुजस्मे मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको वेलकम करना चाहूंगी आज की इवनिंग में, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जो हमें ऑर्गेनाइज करना था, ताकि हम आज जो है आपको एक खास जो है पर्सन के बारे में बताएं, खास पर्सनालिटी के बारे में बताएं जिसने काफी वंडरफुल जो है काम किए हैं। न्यूयॉर्क में इकबाल मसीह के हवाले से मुनक्कद होने वाले प्रोग्राम को छोटे बच्चों ने होस्ट किया और दुआ की और तकारीर में भी भरपूर हिस्सा लिया। प्रोग्राम में बताया गया कि इकबाल मसीह कहा करते थे कि बच्चों के हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए, ना कि औजार। इकबाल मसीह के कौल को मद्देनजर रखते हुए प्रोग्राम में बच्चों में मालूमाती किताबें, कहानियां, नावल भी तकसीम की गई और अप्रैल के महीने में पैदा होने वाले बच्चों की सालगिरह मनाने का एहतमाम भी किया गया। प्रोग्राम के चीफ गेस्ट डेविड सालिक और मिसेस डेविड सालिक ने शानदार प्रोग्राम के इनेकाद पर कैरल नौरीन की काबिज को सराहते हुए कहा कि अगर हम अपने बच्चों को पाकिस्तानी बच्चों की मुश्किलात के बारे में नहीं बताएंगे तो हमारे बच्चों को अपने पाकिस्तानी बच्चों के बारे में कैसे मालूमात मिलेंगी, लिहाजा ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद जारी रहना चाहिए। And what achievement in Europe, USA? He have lot of achievement. There's a paper over there. If I start reading this, it will take me 10 minutes. So let's save that time. Pick up that paper. He did a lot and pretty much in Europe, in USA. His recognition is very good for us also, because as a child, when we go from here, we start saving something, maybe a dollar a week. And then we think about what we can do with that dollar. And everybody, all the kids, I mean, don't think that we are kids, we cannot do nothing. You can do something too. Only maybe $10 a month can send a child to school. That's all we need. So maybe all kids, and then more kids, you can give this message to other kids. Every single thing we can do for other kids, we should do that. And I just want you guys to carry on this thing. After our generation, we don't want new generation to just forget about the kids back home. So just remember that and keep everyone in prayer. And thank you again, Carol and team. All the kids appreciate you guys coming away and just giving tribute to Bal Masih. God bless you all. Thank you so much. प्रोग्राम और पाकिस्तान अब सारे इतने हुए ट्रिब्यूट देने वास्ते इकबाल की हिस्ट्री ऑलरेडी शी एक्सप्लेन वेरी वेल। उसने नौरीन जी ने यह दस दिता भी इकबाल मसीह ने किस तरह 3000 बच्चों स्लेवरी तो आजाद करवाया से। ते मैं ही चाहवांगा भी चलो मैं तुहानू थोड़ी जी असी बैकग्राउंड पॉइंट्स बच्चों ना असी डिस्कशन करने हैं। जे किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, ठीक है। हर एक नूं पता है पानी है क्या, पर पानी का नाम अलग अलग है क्या, जिस तरह इस नूं पानी कहते हैं वाटर कहते हैं, स्पेनिश जिन्हू अगवा कहते हैं, ठीक। उस तरह पूरे यूनिवर्सिटी का इको ही रब है, उस नूं तुसी गॉड कह लो, अल्लाह कह लो, खुदा कह लो, या सिखा वालो असी उस वाहगुरु कहने या अकाल पुरख कहने, पर हैगा वो पानी है, पर इसके नाम अलग अलग है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के उपर जिन्ने भी असी मानव जाति इतने कायम है, अच्छा उन्होंने धर्म अलग अलग है, पर सारे का जरा रब है वह एको ही है, उसके नाम अलग अलग है। उसनु जिहड़ा मर्जी नाम असी याद कर सकते, जिन्ना पानी वाटर अगवा जल कह सकते। इस तरह तुम मैं थोड़ी जी बैकग्राउंड हिस्ट्री दसना चाहांगा।
क्वेश्चन आंसर कर सकती जी कोई इस दुनिया से जे असि कह लिए भी रब एक है अल्लाह एक है खुदा एक है उसने इस यूनिवर्स के दो चीजा बनाई है मेल ते फीमेल ठीक मेल जो सी वो फुल फ्लैश बनाया जिस तरह मैं थोड़े सामने करा जिस तरह तुसी क्राइस्ट की पिक्चर हर पिक्चर या स्टैचू हर चर्च के देखते जी ठीक है बाइबल नू मैं तीन बारी पढ़ चुका हाँ दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ मैं पढ़े कुरान शरीफ पढ़िया हिंदुआ के ग्रंथ पढ़े गीता सार सब कुछ आता है पूरा वर्ल्ड की हिस्टरी सारे रिलीजन पढ़े हैं जिस तरह बाइबल सारे जानते हो सैमसन का जिक्र आया पता है सारे बच्चों को खास करके सैमसन कौन से पता कि नहीं पता ओके उसकी पावर कितने सी उसके लंबे वाला हिरदे इसका जिक्र बाइबल च भी किया गया कुरान शरीफ च भी यह जिक्र हैगा भी फुल फ्लैज साबत सूरत वाला वाले हर इंसान चाहिए हैं स्पैशल हजरत मोहम्मद ने कोट किया मैं आई भी है मेरे फोन च लिखी हुई है भी जेड़ा भी बंदा मक्के मदीने जाता है हज वास्ते वो बिल्कुल साबत सूरत रहे कोई भी वाल अपने ना करवाए ये लिखत हैगी है आई हैगी तो इसे तरह मैंने जिक्र किया दुनिया के जिन्ने भी पैगंबर हुए जिन्ना ने धर्म स्टार्ट किए वह सारे केसाधारी से फर्स्ट क्वेश्चन आएगा सर्च कर लेना जो मैं कहूंगा वह सच होगा मोसिस ले लो हजरत मोहम्मद ले लो उस तो पहले तुसी इब्राहिम जिन्हें स्टार्ट किया है दो शाखावां चल रही वर्ल्ड के जुडाइज्म इधरों चली यहूदियों वालों फिर अलग अलग चले गए तीन चार धर्म ने इसे तरह आर्यंस का चलता है हिंदुआ का और भी चार धर्म आते हैं सनातन धर्म बुद्धिज्म जैनिज्म सिखिज्म चार उधर ने चार इधर ने पर जी शुरुआत करने वाले इन्होंने प्रॉफिट सी पैगंबर सी गुरु सी सारे दे सारे फुल फ्लैज साबत सूरत सी जरा मैं क्वेश्चन वापस आ जाना रब ने दो चीजें बनाई हैं औरत ते मर्द हर औरत दे सिर्फ लंबे वाल और एक मुछादारी नहीं है ठीक मर्द बनाए फुल फ्लैज जी जिस तरह वो मौरिन जी के हसबेंड है गया उन्होंने असी थोड़ी लंबी दाड़ी करके पग बना दी मेरे से भी उन्होंने कोई फर्क नहीं लगेगा राइट क्योंकि रब ने वो चीज बनाई मेरा यह सवाल है सारे कई बार जी क्रिश्चियनस मेरी लगातार तीन चार सालों मेरे घर भी आते रहे वीकेंड्स से एक बार वैटिकन सिटी तो 25 मैंबर का टूर भी आया हम दूसरी गल अभी करते हैं सैकंड इससे कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी ने पूछना किसी बच्चे ने ओके सैकंड स्लेवरी की गल हो रही है एक छोटे जे बच्चे ने 3000 होर बच्चों को स्लेवरी तो अलग किया गुलामी तो बचाया ते अजकल भी मैं कहांगा घर ये सिस्टम है अमेरिका के छोटे बच्चे ने भी सिखा देंगे स्कूल दे भी तेरी लाइफ तेरी है जे तेन पेरेंट्स भी रोकते हैं कितने टोकते हैं तो सिर्फ मैं कॉल कर ला पुलिस ने कॉल कर ला सारे आजादी का पूरा हक है यह जरा सिलेवरी सिस्टम अज तक नहीं चल रहा मैं तुम्हें पिछले लै जाना 1521 सिख धर्म के बाणी गुरु नानक देव जी मके मदीने तो बाद जो उन्होंने इस उन्होंने मेन की टॉपिक की होंगे सी भी दुनिया के सारे बंदे जिहड़े भी धर्मां दे मेन सेंटर प्लेस सी उत्थे उन्होंने ट्रैवल किया उन्होंने एक रब का मैसेज दिता उसके मुताबिक यह सिर्फ एक रब न मनो दुनिया के बीच एक प्यार पीसफुली आपस च रहो ते चंगे काम करो किसी का दुखी ना करो लड़ाई झगड़े को बिल्कुल अलग रहना चाहिए उस आधार से वह वैटिकन सिटी च गए ये रिकॉर्ड जी एक ब्रिटिश रिसर्चर सी उसने रोम वैटिकन सिटी च पुराने इतिहास को पढ़ के बाहर लिया ऑनलाइन मिल जाते हैं 1521 के करीब उस जगह से गए उतों के उस समय के पोप न मिले स्लेवरी को खत्म करवाया सी उस जमाने गुरु नानक देव जी ने उस तो बाद वो स्पेन च गए स्पेन की अज भी जी सेंट्रल जेल है उसके हाथ लिखित पेंटिंग बनी हुई है जो गुरु नानक साहब की सी उन्होंने उत्थे जाके भी उत्थे राजे को स्लेवरी खत्म करवाई
पीटीआई न्यूयॉर्क के सीनियर एडवाइजर सफोरा वसीम और दीगर मुकर्ररीन ने भी कैरन नरिंग के प्रोग्राम को सराहा और प्रोग्राम में आने वाले बच्चों की हौसला अफजाई की, जबकि पाकिस्तान से सीनियर सहाफी तारिक चमन और डेविड एल्बर्ट मेंबर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी पाकिस्तान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की।